वेलकम टू द एक्स्ट्रा क्लास इंग्लिश. आज हम करने वाले हैं आपका चैप्टर द लास्ट लेसन बाय अल्फोंसे डोरेट. अल्फोंसे डोरेट एक फ्रेंच नॉवलिस्ट और उसके साथ साथ एक शॉर्ट स्टोरी राइटर रह चुके हैं, एंड उन्हीं की शॉर्ट स्टोरी द लास्ट लेसन आज हम करेंगे. अब इस स्टोरी के बैकग्राउंड की अगर मैं बात करूँ तो ये उन दिनों में सेट है जब फ्रांस और प्रशिया का वॉर चल रहा था, एंड फ्रांस इस वॉर में हार गया था, प्रशिया जीत गई थी. तो उस टाइम पे जो प्रशिया था वो बना था मिलके जर्मनी, पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया और पोलैंड से, एंड इसीलिए जब फ्रांस हार जाता है तो बर्लिन से ये ऑर्डर आते हैं कि फ्रांस के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं एल्सेस और लॉरेन, इनके स्कूल्स में सिर्फ और सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी. तो अब इस चैप्टर के थ्रू ऑथर दो मैसेजेस कन्वे कर रहे हैं, या दो थीम है. पहली ये कि वॉर का इम्पैक्ट कॉमन लोगों की लाइफ पे क्या होता है, और दूसरा अपनी लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस क्या होती है. तो इससे पहले मैं इस चैप्टर की समरी शुरू करूं, आप इसी के जैसी बाकी सारी वीडियोस के लिए जाकर डाउनलोड कर लीजिए एक्स्ट्रा क्लास ऐप. चैप्टर शुरू होता है एंड फ्रांस जा रहा होता है अपने स्कूल, एंड उसके लिए वो लेट हो रहा होता है, एंड उसने अपना होमवर्क भी नहीं करा होता. तो मिस्टर हैमल ने उन्हें होमवर्क दिया था कि वो पार्टिसिपल्स पढ़ के आए, लेकिन फ्रांस ने वो पार्टिसिपल्स नहीं पढ़े होते. इनफैक्ट उसे तो ऐसा लगता है कि मैं स्कूल जा ही क्यों रहा हूँ, इतना अच्छा दिन है बाहर, बर्ड्स आर चिरपिंग, प्रशियन सोल्जर्स जो है वो अपनी मार्चिंग कर रहे हैं, इतना अच्छा दिन है, मैं बाहर रह सकता हूँ, मुझे स्कूल क्यों जाना पड़ रहा है. लेकिन अब वो नहीं जैसे सोच सकता था, क्योंकि उसको जाना ही जाना था, वो लेट भी हो रहा था, एंड अब उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था. तो जैसे ही वो टाउन हॉल के सामने से जा रहा होता है, वो देखता है कि बुलेटिन बोर्ड के सामने काफ़ी सारा जो क्राउड है वो गैदर हुआ होता है. तो वो सोचता है कि ये जो बुलेटिन बोर्ड है इससे हमारी जितनी भी आज तक बुरी खबरें हैं इसके थ्रू ही आई हैं. तो अब वो सोचता है अब क्या होगा, लेकिन उसके पास इतना टाइम नहीं था कि वो वहाँ रुकता और फिर पढ़ता, इसलिए वो भागता भागता जाता है, एंड वहाँ पे उसे बीच में कोई बोलता है रोक के कि तुम ज़्यादा टेंशन मत लो, तुम पहुँच ही जाओगे स्कूल टाइम पे. तो इन अ वे वो उन्हें टॉन्ट कर रहे थे. तो जैसे ही फ्रांस स्कूल पहुंचता है वो डिस्क्राइब करता है कि यूजुअली तो मेरा स्कूल इतना ज़्यादा शोर होता है, उसमें इतनी ज़्यादा हसल बसल होती है, बच्चे जो हैं वो अपने लेसन्स पढ़ रहे होते हैं, चेयर्स एंड टेबल्स की आवाज़ आती है, बाहर स्ट्रीट तक आवाज़ आती है. लेकिन उस दिन जो स्कूल था एक संडे मॉर्निंग की तरह लग रहा था, काफ़ी अनयूजुअल लग रहा था, एंड इसी शोर में वो इसका फ़ायदा उठाता था कि वो क्लास के अंदर जाए चाहे वो लेट भी हो जाए, ताकि उसे कोई नोटिस ना करे. लेकिन उस दिन जैसे ही वो स्कूल गया उसने विंडो के थ्रू देखा सारे के सारे बच्चे अपनी सीट पे ऑलरेडी बैठे हुए हैं, क्लास काफ़ी शांत लग रही है, एंड मिस्टर हैमल अपनी आर्म के अंडर एक आयरन रूलर लेकर इधर उधर घूम रहे हैं. तो अब फ्रांस को लगता है कि आज तो मुझे डांट पड़ेगी ही पड़ेगी, क्यों, क्योंकि मैं लेट आ ही रहा हूँ और ऊपर से मुझे सब नोटिस भी करेंगे. तो जैसे तैसे वो क्लास के अंदर जाता है, एंड मिस्टर हैमल उसको देख के कहते हैं अरे फ्रांस अच्छा हुआ तुम आ गए, क्योंकि हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे. अब फटाफट से फ्रांस जाता है अपनी सीट पे और जाके बैठ जाता है. अब थोड़ी देर बाद जब वो उस एम्बैरेसमेंट से बाहर निकल जाता है कि मैं लेट आया हूँ और सबने मुझे नोटिस किया है, तो वो देखता है कि क्लास भी काफ़ी बदली बदली लग रही है. एक तो सारे काफ़ी ज़्यादा सीरियस लग रहे हैं, और जो बैक बेंचेस यूजुअली एम्प्टी लगती थी वहाँ पे जो विलेजर्स हैं वो बैठे हैं, एंड फिर वो देखता है कि मिस्टर हैमल ने भी काफ़ी अच्छे कपड़े पहने होते हैं, एक ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहन रखा होता है, फ्रिल्ड शर्ट पहन रखी होती है, और एक ब्लैक सिल्क एम्ब्रॉयडर्ड कैप पहन रखी होती है. और इतने अच्छे कपड़े मिस्टर हैमल तभी पहनते हैं जब कोई इंस्पेक्शन का डे हो या कोई प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी हो. अब दोनों में से उस दिन कुछ भी नहीं था. तो जैसे ही वो ये सारी चीज़ें सोच रहा होता है, उसके दिमाग में ये सब चल रहा होता है, उतने में ही मिस्टर हैमल ये डिक्लेयर करते हैं कि माय डियर स्टूडेंट्स दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, क्योंकि बर्लिन से ऑर्डर आए हैं कि अब सिर्फ और सिर्फ स्कूल में जर्मन पढ़ाई जाएगी, तुम्हारा नया जर्मन टीचर कल आ जाएगा, तो ये तुम्हारा लास्ट लेसन है. अब जैसे ही ये बात सुनता है फ्रांस तो वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहता है दीज वर्ड्स वर लाइक थंडर क्लैप टू मी, मतलब उसके लिए ये एकदम से शॉकिंग था. अभी तक तो उसको अपनी लैंग्वेज आती भी नहीं थी, अभी तक तो उसको ऐसा लग रहा था कि ये बुक्स और ये बोझा जो वो बैग उठा के लेकर जा रहा है स्कूल, वो सब कितना ज़्यादा न्यूसेंस है, कितना ज़्यादा बकवास है, एंड अब उसको ये सारी चीज़ें नहीं पढ़नी पड़ेंगी. उसको ऐसा लगा ये जो बुक्स जो थोड़ी देर पहले मुझे एक तरीके का बर्डन लग रही थी, अब वो मेरी ओल्ड फ्रेंड्स हैं जिन पे वो गिव अप नहीं करना चाहता था. तो ये बात सुन के फ्रांस काफ़ी ज़्यादा गिल्टी हुआ,
एंड अब वो सारी चीजों को लिंक करने लग गया कि क्यों हर एक चीज आज काफी अनयूजुअल लग रही थी। बुलेटिन बोर्ड के सामने क्राउड इसीलिए था क्योंकि यही न्यूज आई होगी, एंड जो विलेजर्स या विलेज एडल्ट्स थे वो बैक बेंचेस पे इसीलिए बैठे थे क्योंकि वो भी गिल्टी थे कि वो ज्यादा पढ़ नहीं पाए। अपार्ट फ्रॉम दैट, वो अपनी लैंग्वेज को रिस्पेक्ट पे करने के लिए आए हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो रिस्पेक्ट पे करने आए हैं मिस्टर हैमल को उनकी 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस के लिए। एंड जहाँ तक रही बात मिस्टर हैमल की, तो मिस्टर हैमल ने इतने अच्छे कपड़े इसीलिए पहने हैं क्योंकि वो दिखाना चाहते हैं कि वो अपनी लैंग्वेज को कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। अब जब उसके दिमाग में ये सारी चीज़ें चल रही थी, तभी मिस्टर हैमल ने उसका नाम लिया क्योंकि उसकी बारी आ गई थी अब रिसाइट करने की पार्टिसिपल्स को। अब फ्रांस खड़ा तो हो जाता है एंड रिसाइट करने की कोशिश भी करता है, लेकिन उससे ये नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि उसको आता ही नहीं है, ना ही उसने उसको कभी पढ़ा था। तो मिस्टर हैमल उसे कहते हैं, डरो मत फ्रांस, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, तुम्हें ऑलरेडी कितना बुरा लग रहा होगा। सोचो ये जो जर्मन्स है ये क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे कि तुम अपने आप को फ्रेंचमैन कैसे मान सकते हो जब तुम्हें अपनी लैंग्वेज ही नहीं आती। बट देखो, मैं इसके लिए तुम्हें जिम्मेदार नहीं ठहराता, क्योंकि यही हमारी प्रॉब्लम है। हम हर एक चीज़ को हमेशा ग्रांटेड लेते हैं, एंड हमने किया भी ऐसा ही। अब देखो, जो तुम्हारे पेरेंट्स हैं वो ये चाहते थे कि तुम स्कूल ना जाओ और किसी मिल या फार्म पे जाके काम कर लो ताकि इनकम ज़्यादा आ जाए, और मैं जब मुझे फिशिंग के लिए जाना होता था तो मैं तुम्हें छुट्टी दे देता था, या फिर मैं तुम्हें कह देता था जाओ बाहर, मेरे प्लांट्स जो हैं उनको वाटर करो। तो कलेक्टिवली यहाँ पे सबकी गलती है, लेकिन वो इसी बात को कंटिन्यू करते हुए बोलते हैं, देखो गलती तो है तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो इस दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल, सबसे क्लियर, सबसे लॉजिकल लैंग्वेज है, एंड हमें इस लैंग्वेज को अपने से कभी भी दूर नहीं होने देना चाहिए। बिकॉज जब भी लोग इंस्लेव होते हैं तब उनकी जो लैंग्वेज है वो उनकी की होती है टू प्रिजन। यानी कि जो लोग इंस्लेव हो जाते हैं और सामने वालों को जब उनकी लैंग्वेज नहीं आती, तो ये लोग आपस में कम्युनिकेट करके कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल सकते हैं और उस प्रिजन से वो सेफ हो सकते हैं। अब इसके बाद जो मिस्टर हैमल हैं वो ग्रामर लेसन पढ़ाने लग जाते हैं, एंड फ्रांस को ऐसा लगता है कि मिस्टर हैमल ने इससे अच्छा कभी पढ़ाया ही नहीं है। ऐसा लग रहा है कि जो मिस्टर हैमल है वो जितना कुछ भी उन्हें आता है इस लैंग्वेज से रिलेटेड वो सब कुछ डिलीवर करना चाहते हैं। तो अब वो कहते हैं, जैसे ही ग्रामर का पार्ट ख़त्म होता है वैसे ही हमारा राइटिंग सेक्शन या राइटिंग पार्ट जो है वो शुरू हो जाता है। एंड उस दिन मिस्टर हैमल उन लोगों के लिए काफ़ी सारी नोटबुक्स लेकर आए होते हैं रेड कलर की, जिन पे लिखा होता है एल्सेस फ्रांस, एल्सेस फ्रांस। तो जैसे ही उन नोटबुक्स को वो क्लास में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो ऐसा लगता है कि ये फ्लैग है, एंड उनको वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। अब सारे के सारे लोग उन नोटबुक्स में लिखना शुरू कर देते हैं, चाहे वो छोटे बच्चे क्यों ना हो, चाहे वो बड़े क्यों ना हो। क्लास में इतनी डेडिकेशन नज़र आती है, इतनी साइलेंस होती है क्लास में, पेन ड्रॉप साइलेंट होती है पूरी की पूरी क्लास। जो आवाज़ आती है वो सिर्फ आती है पेन की स्क्रैचिंग की। एंड उसी बीच में फ्रांस नोटिस करता है कि रूफ टॉप पे पिजन्स दे आर कूइंग, एंड तब उसको लगता है कि क्या ये जर्मन लोग इनसे भी जर्मन में ही गाना गवाएंगे, दैट मीन्स विल दे मेक दैम सिंग इन जर्मन। तो यहाँ पे ये जो पिजन्स हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या ये सिंबल है फ्रीडम का, वो फ्रीडम अब जो लॉरेन और एल्सेस के लोगों के पास नहीं रही। क्यों? क्योंकि उनकी जो लैंग्वेज है वो उनसे छीन ली जा रही है, अब उस लैंग्वेज का यूज़ वो नहीं कर सकते हैं, एंड सेम चीज़ कोई कभी एनिमल्स या बर्ड के साथ नहीं कर सकता। तो इसके बाद फ्रांस जो है मिस्टर हैमल को नोटिस करता है और उसको इस बात का रियलाइजेशन होता है कि मिस्टर हैमल को भी कितना ही ज़्यादा बुरा लग रहा होगा, मिस्टर हैमल भी कितने ज़्यादा परेशान होंगे, ये जगह, ये स्कूल जो उन्होंने बना रखा था ये उनके लिए कितना इम्पोर्टेंस का था, बाहर उनका जो गार्डन था, हॉप वाइंस थी वो थोड़ी बड़ी हो गई हैं, वॉलनट ट्री है वो भी टॉलर हो गए हैं, एंड यहाँ पे जो सिर्फ बेंचेस हैं वो ज़्यादा स्मूथ हो गए हैं, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे वैसी की वैसी ही हैं। एंड अब इनकी सिस्टर जब सारा सामान पैक कर रही होती है ऑन द अबव फ्लोर, तो वो सारी आवाज़ आती है एंड मिस्टर हैमल काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि उनको यहाँ से छोड़ के जाना होता है। अब ऐसे ही उसके बाद वो सब रीडिंग करने लगते हैं, उनके हिस्ट्री का लेसन की बारी आती है एंड सब ज़ोर ज़ोर से रीड करने लगते हैं, बच्चे भी बड़े भी, एंड उसमें से जो हॉसर होते हैं वो भी साथ में ज़ोर ज़ोर से रिसाइट करने लगते हैं, एंड क्योंकि वो इतने ज़्यादा ओवरवेल्म्ड होते हैं उनकी जो आवाज़ है वो ब्रेक कर जाती है, एंड वो इस तरीके से ब्रेक करती है, इस तरीके से फ़नी साउंड करती है कि एक तरफ तो वो सबका मन करता है कि वो हंसे उनकी आवाज़ को सुन के, और दूसरी तरफ वो सब रोना भी चाहते हैं। तो ऐसा लग रहा था
उस टाइम पे जो क्लास है वो गिल्टी भी थी कि उन सब ने अपनी लैंग्वेज को इतना कभी भी इम्पोर्टेंस नहीं दी, हमेशा ग्रांटेड लिया. और दूसरी तरफ जिस तरीके से, जिस डेडिकेशन से वो पढ़ रहे थे, रिसाइट कर रहे थे, उनको देख के उनको हंसी भी आ रही थी और उनको अच्छा भी लग रहा था. तो ऐसे बताता है फ्रांस की, ये था उसका लास्ट लेसन था फ्रेंच का. एंड अब चर्च क्लॉक जो है इट स्ट्राइक्स 12, अब 12 बज जाते हैं एंड क्लास के डिसमिस होने का, ख़त्म होने का टाइम आ जाता है. तो मिस्टर हैमिल कुछ बोलने की कोशिश करते हैं लेकिन उनसे बोला नहीं जाता, वो कंप्लीट नहीं कर पाते अपना सेंटेंस. एंड फिर वो चुपचाप ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ते हैं और उस पर लिखते हैं वीव लिव फ्रांस, जिसका मतलब है लॉन्ग लिव फ्रांस. और वो सिर्फ इतना ही बोलते हैं, वापस टर्न करते हैं पूरी क्लास की तरफ और एक जेस्चर करते हैं ऐसे करके, जिसका मतलब ये होता है कि अब क्लास ख़त्म हो गई है, आप जा सकते हो, इट्स टाइम टू गो. तो यहाँ पे ये जो चैप्टर है ये ख़त्म हो जाता है. तो मिस्टर हैमल दिखाते हैं कि उनका लव क्या था उनकी लैंग्वेज के लिए, जैसे ही उस बोर्ड पे वो लिखते हैं वीव लो फ्रांस या लॉन्ग लिव फ्रांस. तो यही थी इस चैप्टर की समरी, जहाँ हमने देखा ऑथर बता रहे हैं कि लैंग्वेज की क्या इम्पोर्टेंस होती है, इन सबको अपनी लैंग्वेज जो है इतने अच्छे तरीके से नहीं आती थी, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एक वॉर का इम्पैक्ट लोगों की लाइफ पे क्या पड़ा कि उनको अपनी लैंग्वेज ही बदलनी पड़ी. तो यही थी इस चैप्टर द लास्ट लेसन की समरी. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. नाउ अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग. और इसी के जैसी बाकी सारी फुल वीडियोस के लिए आप जाइए एंड डाउनलोड कर लीजिए एक्स्ट्रा क्लास ऐप.